नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। अभी हाल ही में मैं एक रेजिडेंस पे गई वास्तु के लिए, और वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि घर की एंट्रेंस से लेके घर की लॉबी में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम्स में, गार्डन एरिया में, सब जगह जो है कोई ना कोई या तो भगवान का स्टैचू था या कोई ना कोई भगवान की पिक्चर थी। ये मैंने इसी घर में नहीं, मैंने बहुत से घरों में देखा है कि घर के हर कोने में जो है कोई ना कोई भगवान की फोटो या स्टैचू होती है। मतलब भगवान जो है पूरे घर में स्कैटर्ड होते हैं। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि जी क्या राइट डायरेक्शन है मंदिर होने का, क्या हम बेडरूम में मंदिर कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ना होता है, क्या हम किचन में मंदिर कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपके साथ यही सब डिस्कस करूंगी कि वास्तु के हिसाब से मंदिर कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए। डायरेक्शंस को डिस्कस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी, वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि मंदिरों में, खास करके घरों में जो मंदिर होते हैं उनमें जो है सारे भगवान स्थापित होते हैं। मंदिर जो है पूरा भर जाता है भगवानों की फोटो से या मूर्तियों से। देखिए ऐसा मत करिए। आप जब मंदिरों में भी जाते हैं तो देखिए मंदिर भी होते हैं, शिव जी का मंदिर जहाँ शिव जी स्थापित होते हैं या शिव परिवार स्थापित होता है, या लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ पे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी विराजित होती हैं। तो घरों में भी जो है आप जो मंदिर आपका होता है उसमें कम से कम भगवान रखिए, सारे भगवानों को स्थापित मत करिए क्योंकि हर भगवान की जो है अपनी दिशा होती है। अब बहुत से ऐसे लोग पूछते हैं कि जी फिर किन को स्थापित करें हम। पहली चीज़ कि आपके परिवार में, कुल में जिस भगवान की जो है पूजा जनरेशन से होती आ रही है आप उनको स्थापित करें और उनकी पूजा करें। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि जी हमारे ऐसा कुछ नहीं है या हमें मालूम नहीं है। तो इन दैट केस जब कभी आप दिक्कत में होते हैं या जब कभी भी आप परेशानी में होते हैं तो जिस भगवान को आप याद करते हैं आप उस भगवान की जो है मूर्ति या उस भगवान की फोटो जो है वो आप अपने मंदिर में लगाइए और उनकी पूजा करें, ना कि आप जो है सारे भगवानों की मूर्तियाँ या फोटोज़ जो है मंदिर में लगा लें। कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर जो है जितना साफ सुथरा रहेगा, जितना कम क्लटर रहेगा उतना बेटर रहेगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो सबसे पहला जो डायरेक्शन आता है वो आता है नॉर्थ। यदि आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, आपके घर में जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी स्थापित है और आप उनकी पूजा करते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसा मंदिर होना चाहिए। लक्ष्मी गणेश का मंदिर जो है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। नॉर्थ के बाद आता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसको जो है ईशान कोण भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आइडियल डायरेक्शन है किसी भी तरह के मंदिर के होने का या किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी करने के लिए आप जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही करें। तो यदि आपके घर में मंदिर नॉर्थ में है या नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पे जो है लाल रंग की कोई चीज ना रखें। अक्सर हम लोग जो है मंदिर में लाल कपड़ा बिछा देते हैं या लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं। ये मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपके साथ डिस्कस भी किया है कि नॉर्थ जो है वो जल का डायरेक्शन है, रेड कलर जो है फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो मंदिर आपका सही होते हुए भी यदि आपने वहाँ पे रेड कलर की चीज कोई यूज करी या लाल बल्ब लगा दिया तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। नॉर्थ ईस्ट के बाद आता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जो है वो उगते हुए सूर्य का डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन को जो है हम अथॉरिटी, पावर, गवर्नमेंट से लिंक करते हैं। तो वो लोग जो जिनका कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम होता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट डीलिंग्स जिनकी होती है, तो वो अगर मंदिर ईस्ट में बनाएंगे तो वो उनके लिए, उनके काम के लिए अच्छा रहेगा, उनकी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो आइडियल बेस्ट डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। उसके अलावा ईस्ट में भी आप मंदिर बना सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको हम ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कहते हैं। इस डायरेक्शन में मंदिर बिल्कुल भी मत बनाइए। क्यों? क्योंकि जो ये जोन है वो एंग्जाइटी का जोन है। अगर आप यहां पे मंदिर बनाएंगे और यहां पे बैठ के पूजा करेंगे तो
तो आप उस पूजा को कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप कभी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, आप एंग्शियस रहेंगे, आप बेचैन रहेंगे। तो अवॉइड करें ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाना। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो लोग देवी माँ को, दुर्गा को उनकी पूजा करते हैं, उनमें उनकी आस्था है, उन लोगों के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाना अच्छा रहेगा। तो यदि आप देवी के भक्त हैं तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देवी को स्थापित करें। उसके बाद साउथ डायरेक्शन आता है। साउथ डायरेक्शन जो है वो हनुमान जी का डायरेक्शन है। बहुत से लोग हैं जो हनुमान भक्त हैं, जो हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो साउथ में जो है साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का मंदिर बनाए। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन जो है ये फायर जोन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो है आप लाल रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बल्कि आपने नीला रंग या कोई भी जल तत्व से संबंधित चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखा गया है कि यदि मंदिर होता है तो फाइनेंशियल गेन्स में प्रॉब्लम आती है, तो अवॉइड करें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाना। पर साउथ वेस्ट डायरेक्शन के लिए छोटा सा एक्सेप्शन है, वो ये है कि वहाँ पे जो है विश्वकर्मा की पूजा होती है। जो लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं और जो लोग टूल्स की पूजा करते हैं, जिन लोगों का ऐसा काम है जिसमें टूल्स यानी कि औजारों का काम होता है और उनकी पूजा होती है, तो वहाँ वो लोग जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने औजार रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन जो है वो गुरुओं को समर्पित है, जैसे महावीर गुरु, जैसे गुरु नानक या और कोई भी गुरु जिनमें आपकी आस्था है और जिनको जिनकी आप पूजा करते हैं, उसके लिए जो है वेस्ट डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है। वेस्ट डायरेक्शन में यदि मंदिर बनाएं तो ये ध्यान रखें कि वो जो है वाइट कलर का हो। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो स्किल्स का है, लर्निंग का है, हायर एजुकेशन का है, और ये जो दिशा है ये जो है सरस्वती माता की दिशा है। तो यदि आप सरस्वती माता के उपासक हैं या आपका स्कूल है और वहाँ पे आप सरस्वती जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो आप जो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सरस्वती माता की मूर्ति। इसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन आता है, जो कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जोन है। यहाँ पे भी जो है मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जोन भी जो है इसको हम डिप्रेशन से लिंक करते हैं। पहले ज़माने में कोप भवन, जहाँ पे जो है रानियाँ वगैरह जाके जब उदास हो जाती थी या किसी बात से परेशान होती थी तो वो इस जगह पे जाके रहती थी, इस जगह पे जो भवन था उसको कोप भवन कहा जाता था। तो जनरली इसको जो है सैडनेस या दुख या परेशानी से लिंक किया जाता है। तो इस जोन में भी जो है मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो नॉर्थ वेस्ट जोन है या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन है, उसमें भी जो है मंदिर अवॉइड ही किया जाना चाहिए। सो आई होप आपको जो है डायरेक्शंस क्लियर हो गए होंगे कि किस डायरेक्शन में जो है मंदिर होना चाहिए। अब रही बात जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि जी क्या हम बेडरूम में मंदिर बना सकते हैं, क्या हम किचन में मंदिर बना सकते हैं। देखिए, बेडरूम में मंदिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग ये कहते हैं नहीं जी हमें सुबह उठते ही भगवान को हाथ जोड़ना होता है। देखिए, ये बहुत गलत है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है देर इज़ अ प्रोसीजर, तरीका है पूजा करने का। ऐसे ही नहीं कि आप सीधे उठे और भगवान को आपने हाथ जोड़ लिया और बस वो पूजा हो गई। नहीं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, डिस्क्राइब भी किया है कि नहा धो के मुँह साफ करके उसके बाद स्वच्छ हो गए उसके बाद जो है आप मंदिर में प्रवेश करिए और पूजा करिए। अब आप उठे हैं, आपने ब्रश भी नहीं किया और आप ऐसे सीधे झूठे मुंह जो है आप भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं, जो कि आइडली गलत है। देखिए, कोई मंत्र वगैरह भी अगर हम करते हैं तो उसके लिए भी कहा जाता है कि मुंह साफ करने के बाद करें। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो कि सुबह उठते कोई ना कोई जिनको दवाई लेनी होती है या कुछ खा के दवाई लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी एडवाइस है कि मुंह साफ करें और उसके बाद फिर पूजा करें। किचन में मंदिर, बहुत से जगहों पे मैंने ऐसे देखा है कि स्पेस की कंस्ट्रेन होती है, फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे इतनी जगह नहीं निकल पाती है कि मंदिर बना सके।
इन दैट केस आप जो है किचन में मंदिर बना सकते हैं, पर एक पार्टीशन लगा दें जिससे कि जो जूठन है या जो खाने पीने का सामान है उसमें और मंदिर में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन हो, थोड़ा सा फर्क हो। और दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डायरेक्शंस का प्लीज ध्यान रखें। सो आई होप आज जो है मंदिर को लेके जितना कंफ्यूजन था वो क्लियर होगा। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेके, सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी। थैंक यू।